और इसी बीच एक खबर शामली से आ रही है, जहां पर नरेश टिकैत का तालिबानी फरमान सामने आया है। कोर्ट के आदेशों को गलत बताया है, एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुर्जर जाट राजपूत आपस में विवाह कर सकेंगे, लड़कियों को मोबाइल का इस्तेमाल करने नहीं देंगे, ये कहा है उन्होंने। तो शामली में नरेश टिकैत का तालिबानी फरमान सामने आया है, कोर्ट के आदेशों को गलत बताया है, साथ ही एक गोत्र में विवाह करना नहीं चाहिए, ये कहा है भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। लड़कियों के जीन्स पहनने पर एतराज जताया है, लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर भी एतराज है। गुर्जर जाट राजपूत आपस में विवाह कर सकेंगे। पंकज प्रजापति हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, नरेश टिकैत का तालिबानी फरमान आया, क्या जानकारी है? जी आपको बता दूं कि जो जाट हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, इनका साफ तौर से कहना है कि लड़कियां जिस तरीके से पहनावा पहनती है ये गलत है, इसकी हम अवहेलना करते हैं और एतराज जाहिर करते हैं, क्योंकि इस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है जिस तरीके की लड़के वस्त्र पहनती है। और कोर्ट के आदेशों की एक अवहेलना उन्होंने की है कि जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक ही गोत में शादी कर सकते हैं, ये निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। इस तरीके से एक गोत में शादी नहीं कर सकते और उन दोनों को भाई बहन बताया, क्योंकि एक गोत के जो होते हैं वो भाई बहन होते हैं, तो इस तरीके की शादी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोर्ट के आदेशों को भी गलत बताया भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, जिन्होंने कहा कि एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। लड़कियों के जीन्स पहनने पर भी एतराज जताया, साथ ही लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर भी एतराज जताया है।